अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में जो हमारा ऑन कैंपस लास्ट वीक में हुआ, आप लोगों ने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट बनाना सीखी। द नेक्स्ट स्टेप इज दैट वी नीड टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट बेसिकली आप लोगों ने लास्ट सेमेस्टर्स में फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बनाना सीखी है। दो फॉर्मेट्स होते हैं हमारे पास बेटा, सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट भी होती है और मल्टीपल स्टेप इनकम स्टेटमेंट भी होती है। मैं आपको दोनों के फॉर्मेट्स दिखा रही हूँ। अगर आप ये स्क्रीन देख रहे हो, स्क्रीन पे देखें बेटा, ये जो इनकम स्टेटमेंट आपके सामने बनी हुई है इसको हम सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट इसलिए कहते हैं बेटा कि इसमें हम एक ही स्टेप परफॉर्म करते हैं। बेसिकली हम लोगों ने रेवेन्यूज की हेडिंग देनी होती है, एक्सपेंसेस की हेडिंग देनी होती है। आपके क्वेश्चन में जितने भी रेवेन्यूज के हेड होते हैं, जितने भी रेवेन्यू रिलेटेड अकाउंट्स होते हैं, एक बिजनेस जिन भी सोर्सेज से पैसा कर कमा रहा होता है, अर्न कर रहा होता है, वो यहाँ पे रेवेन्यूज में राइट डाउन कर देते हैं। उसके बाद आप एक्सपेंसेस का हेड क्रिएट करते हैं और बिजनेस के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जिस भी टाइप के एक्सपेंसेस है, फैक्ट्री में एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर है, जितने भी एक्सपेंसेस है हम सबको लिस्ट डाउन करते हैं और एक स्टेप परफॉर्म करते हैं, दैट इज रेवेन्यूज माइनस एक्सपेंसेस गिव्स राइज टू प्रॉफिट। तो आपके पास एक स्टेप परफॉर्म करने से प्रॉफिट आ जाता है, जो इस पर्टिकुलर केस में $4,665 का है। अब यहाँ पर ये आपको फॉर्मेट नजर आ रहा होगा, ये प्रिंटिंग प्लस कॉर्पोरेशन है, कोई कंपनी है, बिजनेस है जिसका डाटा है। तो आपने सबसे पहले कंपनी का नाम लिखना है, देन यू हैव टू राइट डाउन द नेम ऑफ द स्टेटमेंट, दैट इज इनकम स्टेटमेंट, एंड यू हैव टू राइट डाउन द डेट ऑन व्हिच द अकाउंटेंट इज प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट फॉर द मंथ एंडिंग जनवरी 31st 2019। इट मींस दिस बिजनेस का अकाउंटिंग पीरियड मंथली बेसिस पे था और ये हर मंथ के एंड पर स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहा है। दिस इज द वेरी इजीएस्ट फॉर्मेट टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट, बट ये जो इनकम स्टेटमेंट होती है, दैट इज अलाउड ओनली टू द सोल प्रोप्राइटर्स, टू द पार्टनरशिप बिजनेस। जो एक छोटे लेवल पर आपका बिजनेस होता है या तो सोल प्रोप्राइटर रन कर रहा है, इट मींस द पर्सन जो ऑनर है वो इज अ सिंगल ऑनर ऑफ द होल बिजनेस, और जो सर्विस सेक्टर में आपके बिजनेस होते हैं उनको अलाउड होता है कोई ऐसी इनकम स्टेटमेंट बना सकते हैं। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं, हम कॉस्ट अकाउंटिंग में हम बात कर रहे हैं कंपनीज की, एक वहाँ वो कंपनीज जहाँ पर प्रोडक्शन हो रही है। तो जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही होती है उनमें बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में सरमाया चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा कैपिटल रिक्वायर्ड होता है। इसलिए ज़्यादातर अगर आप देखें जो प्रोडक्शन रिलेटेड यूनिट्स होते हैं वो ज़्यादातर कंपनीज होती हैं, और कंपनीज आर बाउंड टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट वाया मल्टीपल स्टेप फॉर्मेट। मतलब उन्होंने वो ये फॉर्मेट फॉलो नहीं कर सकते। ये फॉर्मेट सिर्फ और सिर्फ जो छोटे स्केल पे आपका बिजनेस है, स्मॉल एंड मीडियम लेवल पे बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है आपकी, या सर्विस रिलेटेड बिजनेसेस हैं, वो सिर्फ ऐसी इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं मल्टीपल स्टेप इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट, उसकी भी मैंने एक पिक्चर भी एक डाउनलोड की है। लेट मी शो यू, ये देखिएगा बेटा, ये है मल्टीपल स्टेप इनकम स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है बेसिकली कि हम मल्टीपल स्टेप्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, एक से ज्यादा परफॉर्म करते हैं, और उसके बाद फिर हमारे पास नेट प्रॉफिट आता है। अगर आपके पास एक ही डाटा मौजूद है और आप एक ही डाटा के ऊपर सिंगल स्टेप और मल्टीपल स्टेप इनकम स्टेटमेंट बनाएं, तो आपका आंसर दोनों में सेम आता है। बस इसमें फर्क ये होता है कि आपको थोड़े से ज्यादा स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ते हैं, और बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आपने इस फॉर्मेट को फॉलो करना है। ये आपकी आपकी जो बुक में जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं वहाँ पे भी आप इसी फॉर्मेट को देखेंगे। इस फॉर्मेट को एक दफा देख लीजिएगा बेटा। यहाँ पे आपने 3-line फॉर्मेट बनाना है, नेम ऑफ द कंपनी, नेम ऑफ द कंपनी लिखे, या आपकी इनकम स्टेटमेंट लिखे, ये मल्टीपल स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। इनकम स्टेटमेंट लिखे फॉर द ईयर एंडिंग, जिस डेट पर आप अकाउंटेंट स्टेटमेंट बना रहा है लिखे। सबसे पहले हमारे पास सेल्स रेवेन्यू आता है। सेल्स रेवेन्यू बेसिकली आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ अर्निंग होता है, कि कंपनी का जो बेसिक पर्पस होता है वो किसी एक खास प्रोडक्ट को बना के सेल आउट कर रही होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्लास में एग्जाम्पल्स डिस्कस करते रहे हैं, जैसे एक फ्लोर मिल रहा है, उसका बेसिक पर्पस होगा कि वो आटा गंदम को लेकर, उसको रॉ व्हीट को लेकर उसको प्रोसेस करके फ्लोर में कन्वर्ट करेगी और उसको सेल आउट करेगी, तो वो बेसिक उसकी प्रोडक्ट है। शुगर मिल बेसिक उसकी प्रोडक्ट क्या है कि वो शुगर केन लेगी, उसको क्रश करके, उसको बना के ग्राइंड करके शुगर में कन्वर्ट करके सेल आउट करेगी। तो जो आपका प्राइमरी बिजनेस होता है ना, उसको हम लोग, उससे आने वाला पैसे को हम सेल्स रेवेन्यू कहते हैं। यू विल राइट सेल्स रेवेन्यू ओवर हियर, और बेसिकली सेल्स रेवेन्यू में से आप
तीन चीजें माइनस करते हैं, दैट इज सेल्स डिस्काउंट, सेल्स अलाउंस एंड सेल्स रिटर्न। तीनों चीजें अगर किसी पर्टिकुलर केस में हो, किसी कंपनी के केस में डाटा में गिवन है, तो आपने यहाँ से माइनस करके उसको नेट सेल्स में कन्वर्ट करना है। इस केस में सेल्स रेवेन्यू था 5 लाख, ऑलमोस्ट आप लोगों के 10,000 के सेल्स डिस्काउंट, सेल्स रिटर्न और अलाउंसेस के था, माइनस करके मेरे पास नेट सेल्स आ गई है 4,90,000 रुपए की। अब आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में एक स्टेटमेंट बनाई थी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ये क्योंकि क्वेश्चंस कनेक्टेड हैं, तो आपने क्या करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो भी फिगर आई है वहां पर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बेसिकली इज अ वेरी बिग एक्सपेंस ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। सबसे बड़ा जो ह्यूज आपका एक्सपेंस अकाउंट होता है वो बेसिकली सीजीएस होता है। वो आपने सीजीएस उस स्टेटमेंट की जो कैलकुलेटेड फिगर है वो यहाँ पे प्लेस करनी है। नेट सेल्स माइनस सीजीएस गिव्स राइज टू ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस मार्जिन, जो मर्जी आप इसको कह दें। तो ये आपके पास ग्रॉस मार्जिन आ जाता है, ठीक हो गया। इसके बाद हम लोग हेडिंग देते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की। लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद हो तो जब मैं आप लोगों को कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स पढ़ा रही थी, तो वहां पर मैंने आपको पीरियड कॉस्ट और पीरियोडिक कॉस्ट का कॉन्सेप्ट दिया था। उसमें मैंने आपको पीरियड कॉस्ट में ये चीज बताई कि फैक्ट्री के अलावा जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहते हैं, नॉन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। और उसकी मैंने आपको तीन हेड्स लिखवाए थे, अगर आप लोगों ने लेक्चर नोट किया हो, सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस। तो बेसिकली उस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में वो तीनों तरह के एक्सपेंसेस आते हैं। सिंपली मीन्स कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आपके पीरियड कॉस्ट आती है। तो पीरियड कॉस्ट में इसमें यहाँ पर फोर हेड्स गिवन थे, सैलरीज एक्सपेंसेस हैं, रेंट एक्सपेंसेस हैं, यूटिलिटीज एक्सपेंस हैं और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हैं। उन सबकी अमाउंट को आप लिस्ट डाउन करें और टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जितने भी हैं, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सबको ऐड करके लिख लें और ग्रॉस मार्जिन में से डिडक्ट कर देंगे, तो आपके पास टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता होता है। इन लोगों ने कंप्यूट नहीं किया, बट इन्होंने सिर्फ अपने टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कंप्यूट कर लिए हैं कि हमारे टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, 47,000 रुपीज के हैं। ये बेसिकली आपकी जो आपकी प्राइमरी सोर्सेज होते हैं वहां से आप लोगों का डेटा आ रहा होता है। उसके अलावा हम एक हेड क्रिएट करते हैं अदर इनकम्स के नाम से, अदर रेवेन्यू या अदर एक्सपेंसेस के नाम से, कि अगर बिजनेसेस की अदर इनकम्स हैं या अदर एक्सपेंसेस हैं तो वो यहाँ पर राइट डाउन कर लें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपसे कहा कि शुगर मिल है, तो उसके प्राइमरी बिजनेस शुगर है, लेकिन शुगर के अलावा हो सकता है कि उस फार्म में और भी बाय प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रही हो, शक्कर गुड़ हो सकता है, या जैसे गन्ना है, गन्ना जो शुगर केन होता है, जब वो उसमें से आप रस निकाल लेते हैं तो उसका जो छिलका होता है वो भी सेल आउट होता है, बाय प्रोडक्ट होती है उनकी, तो उसको सेल आउट कर देते हैं वो। आगे कोई गन्ना मैन्युफैक्चरिंग जो फॉर्म्स होती हैं वो उसको लेकर प्रोसेस करके आगे कार्ड्स बना लेती हैं। तो अगर आपके दूसरे सोर्सेज से कोई अर्निंग है तो वो भी आप यहाँ पे मैंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेरी बात करें तो मेरा प्राइमरी सोर्स ऑफ अर्निंग मेरी टीचिंग की जॉब है, लेकिन ये जो मेरे ये जॉब होगी वो मेरे यहाँ पर आएगा, ये यहाँ से उसकी अर्निंग्स आएंगी। लेकिन अगर इसके अलावा मेरा कोई और सोर्स ऑफ फंडिंग है, फॉर एग्जांपल मैं किसी को ट्यूशन पढ़ा रही हूँ, कोई मैंने कोई फ्रीलांसिंग से मैं कुछ पैसा अर्न कर रही हूँ, या मैंने कोई घर किराए पे दिया हुआ है, या मेरी कोई दुकान किराए पे है, या मेरा कोई कोई एग्रीकल्चर लैंड है जहाँ से मुझे ठेका आ रहा है, तो वो मेरे अदर रेवेन्यूज हैं। यहाँ पर उसने इंटरेस्ट रेवेन्यू कंसिडर किया हुआ है कि लेट्स से अगर उसने कोई बैंक में पैसे रखवाए हुए हैं और फिक्स डिपॉजिट में है या जो भी बैंक पे है उस पर आमदनी आपको आ रही है, तो उसको हम इंटरेस्ट रेवेन्यू कहते हैं, इंटरेस्ट अर्न कहते हैं। तो इसने वो अपना इंटरेस्ट अर्न और इंटरेस्ट एक्सपेंस शो किया। अदर इनकम्स या अदर एक्सपेंसेस आप यहाँ पे राइट डाउन करते हैं। उसके बाद जब आप इसको ग्रॉस मार्जिन में से इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेट इनकम बिफोर टैक्स। गवर्नमेंट का जो भी टैक्स ब्रैकेट होती है, जिस टैक्स ब्रैकेट में आपकी इनकम फॉल कर रही है, आप उतना टैक्स पे करते हैं। लेट्स से इस पर्टिकुलर केस में 15,000 टैक्स है, तो आपके पास नेट इनकम आ जाएगी 276,000 रुपीज की। इसे हम कहते हैं मल्टीपल स्टेप इनकम स्टेटमेंट। इसमें आपने मल्टीपल स्टेप्स परफॉर्म की और फाइनली आपके पास नेट इनकम आ गई। अब मैं आपको क्लास में मैंने आपको एक हैंड आउट डिस्ट्रीब्यूट किए थे, अगर आप उन हैंड आउट में देखें तो उन हैंड आउट्स में मैं से एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मेरे पास बुक ओपन है, इस बुक में देखिएगा स्टूडेंट्स, पेज नंबर 57, ये पेज एक्चुअली आप लोगों के पास मौजूद है, राइट। आप लोगों को मैंने फोटो सेट करवा के प्रोवाइड किया था। ये वो स्टेटमेंट थी जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बताई थी, बनाई थी, जिसमें सीजीएस ऑलमोस्ट आपके पास 17 लाख रुपीज की आ रही थी। तो अब ये उसको इन कनेक्शन उसको देखिएगा, यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट है,
कंपनी का नाम मेंशन है, स्टेटमेंट का नाम मेंशन है और डेट मेंशन है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द फॉर्मेट. नाउ वी विल राइट सेल्स रेवेन्यू दैट इज अमाउंटेड टू 25 लाख इन दिस पर्टिकुलर केस. सीजीएस जो आप लोगों ने अभी कैलकुलेट की थी, सीजीएस 17 लाख की है, डिडक्ट करें यू विल गेट ग्रॉस मार्जिन. देन वी विल राइट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. ओवर हियर वी हैव जस्ट टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, दैट इज सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस. 140,000 एंड 270,000 टोटल अमाउंटेड टू 410,000. आप अपने ग्रॉस मार्जिन में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करें, यू विल गेट नेट ऑपरेटिंग इनकम ऑफ 390,000 डॉलर्स. नाउ अब आप लोगों ने पहला काम ये करना है फ्रेंड्स के इस फॉर्मेट के ऊपर इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है. मैं आप लोगों को दो क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और एक क्वेश्चन में चार पार्ट्स हैं बेसिकली. सो टोटल 5 केसेस हो जाएंगे आपके पास, जिसमें आप लोगों ने सीजीएस भी कुछ में कहा हुआ है, कुछ में कहा हुआ है कि सीजीएस और इनकम स्टेटमेंट दोनों कंप्लीट करें. तो वो बेसिकली आप लोगों ने ये आप लोगों ने असाइनमेंट बनानी है. इट मीन्स कि अपने पेजेस में ये जो आप लोगों के पास जो भी रफ फोल्डर्स हैं, इन पेजेस पर आपने इन 5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है. एंड यू हैव टू शो मी दीस 5 क्वेश्चंस ऑन द नेक्स्ट मंडे इंशाल्लाह व्हेनेवर वी विल मीट इन द यूनिवर्सिटी. तो ये 5 क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व करने हैं, ठीक हो गया. नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने लगे हैं दैट इज फ्लो ऑफ कॉस्ट. और उसके लिए मुझे जाना है काफी आगे. ये देखिए बेटा, जॉब रोटेशन कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट मैं स्टूडेंट्स आप लोगों को नेक्स्ट वीक में, मतलब ये मुझे थोड़ा सा टाइम दें कि मैं एक वीक में आपको ये टॉपिक कवर करवा दूं, उसके बाद हम लोग जॉब रोटेशन कॉस्टिंग पे जाएंगे. फिलहाल आप समझें कि फ्लो ऑफ कॉस्ट क्या चीज है. बेटा फ्लो ऑफ कॉस्ट बेसिकली ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे कॉस्ट मूव करती है, राइट. तो अगर आपको सिंपल, मेरे पास इस वक्त पिक्चर अरेंज नहीं हो सकी, अदरवाइज मैं आपको ऑरली अगर बताऊं तो हर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या किसी भी अकाउंटिंग पीरियड को स्टार्ट करने के लिए वो नीड कैश. हम कैश से सबसे पहले क्या करते हैं, वो बाय रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल परचेज करने के बाद यू हैव टू हायर लेबर, बिकॉज लेबर इज दैट एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट जो कि मटेरियल के ऊपर काम करके एक्चुअली उसको गुड आउटपुट में या फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है. बट लेबर को हायर करने के बाद यू हैव टू इनकर फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट आपको इनकर करना पड़ती है. इट मीन्स कोई ना कोई मशीन होगी जिसमें आप रॉ मटेरियल को डालेंगे, लेबर उसके ऊपर काम करेगी, उसमें कुछ ऑयल डल सकता है, मशीन हो सकता है बिजली पे चल रही हो, मशीन की डेप्रिसिएशन भी हो रही है, व्हाटएवर इज, बट सर्टन फैक्ट्री ओवरहेड्स इनकर होते हैं और उसकी मौजूदगी में लेबर रॉ मटेरियल पे काम करती है. जैसे अगर आप अपनी क्लास एनवायरनमेंट को ही देखें तो क्लास में आप स्टूडेंट्स हैं, आप मटेरियल हैं जिसके ऊपर डायरेक्ट लेबर आपके टीचर्स आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन टीचर्स को पढ़ाने के लिए कुछ सपोर्ट सिस्टम्स रिक्वायर्ड हैं. हमें क्लासरूम चाहिए, क्लासरूम है, चेयर्स, टेबल, डेस्क, डाइस, बोर्ड है, बोर्ड मार्कर्स हैं, लाइट है, बिजली पंखा चल रहा है. लेकिन जैसे बिजली पंखा चल रहा है इसकी आपकी इसका आपका इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी बिल्स आएंगे, यूटिलिटी एक्सपेंस इनकर हो रहा है. लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो डेप्रिसिएट हो रही हैं, बिल्डिंग डेप्रिसिएट हो रही है, चेयर्स टेबल्स डेप्रिसिएट हो रहे हैं, रोस्टरम डेप्रिसिएट हो रहे हैं. तो इस FOH की मौजूदगी में ही लेबर एक्चुअली रॉ मटेरियल पे काम करती है. तो आप पहले ये 3 कॉस्ट इनकर करते हैं, मटीरियल, लेबर और FOH. जब ये आप तीनों कॉस्ट इनकर करते हैं तो आपकी फिनिश गुड्स बनना शुरू होती है. उन फिनिश गुड्स को जब आप सेल आउट करते हैं ना तो फिर कस्टमर से आपको कैश रिसीव होता है और अगेन फिर कैश प्रोसेस में चला जाता है कि उस कैश में थोड़ा सा प्रॉफिट होता है. वो प्रॉफिट आप बेशक विड्रॉ कर लें, लेकिन जो रिमेनिंग कैश होता है उसे दोबारा आप फिर वही मटेरियल खरीदते हैं, उसी तरह लेबर को हायर करते हैं, फिर इसी तरह काम चलता रहता है. गुड्स बनती हैं, बिकती हैं, दोबारा मटेरियल खरीद लेते हैं, गुड्स बनती हैं, बिकती हैं, ऑल द प्रोसेस गोज ऑन. दिस इज अ फ्लो ऑफ कॉस्ट. ये बुक आप लोगों के पास सॉफ्ट फॉर्म में मौजूद है, इसको अगर आप पढ़ना चाहें तो बुक से भी पढ़ लें. अब आज के लेक्चर में आप लोगों ने बेसिकली 13 कॉस्ट फ्लो से रिलेटेड एंट्रीज हैं जो आप लोगों ने करनी है और इन 13 एंट्रीज को मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ. लास्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने जब अकाउंटिंग पढ़ी होगी आप लोगों ने डेबिट क्रेडिट रूल्स पढ़े होंगे, एक दफा उसको दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपके पास डेबिट क्रेडिट रूल्स आपको याद हो तो ये एंट्रीज करना आसान होगी, अदरवाइज हमारी कॉम डेटा मार्निंग में बहुत अच्छी है. तो यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोगों ने फर्स्ट जो ट्रांजेक्शन है दैट इज रिलेटेड टू परचेज एंड इशू ऑफ मटेरियल्स.
whenever a business purchases material या issue of material का मतलब ये होता है कि sometimes आप bulk में purchase करके store में रख लेते हैं, उसके बाद फिर आपको जो आपकी production की team होती है वो material requisition के लिए store department को application place करती है कि हमें इतना material issue करते हैं, हमें ज़रूरत है production के लिए. तो फिर आपका जो store keeper होता है वो आपके जो demand को अपने पास रखकर आपको material issue कर देता है production के लिए. तो यहाँ पे देखिएगा, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन ऐसे मेंशन होगी जो आपको ट्रांजैक्शंस एक्सरसाइज में गिवन होगी कि ड्यूरिंग द मंथ कंपनी परचेज ऑन अकाउंट एन एडिशनल 60,000 ऑफ रॉ मटेरियल. नाउ बिजनेस ने परचेज किया 60,000 का रॉ मटेरियल किस पर? उधार पर, ऑन अकाउंट, उधार पे खरीदा है. इट कुड बी ऑन कैश. When the material is purchased on account, then the entry would be raw materials. Raw materials basically inventory होती है. मैंने आप लोगों से last section में discuss किया था कि inventory आपकी balance sheet में asset side पर पड़ी होती है, और उसमें three types of inventories होती हैं: raw material, work in process और finished goods inventory होती हैं. So raw material basically inventory. Increase in assets will be recorded as debit. And when the goods are being purchased on account, उधार पे आप लेते हैं, तो फिर accounts payable, that is increase in liability, will be recorded as credit. In case if, अगर किसी सिचुएशन में ऐसा हो कि आपने रॉ मटेरियल कैश पे लिया है, रॉ मटेरियल कैश पे लिया है, तो ये एंट्री हो जाएगी रॉ मटेरियल्स टू कैश. ठीक हो गया. इस केस में उधार पे लिया है तो रॉ मटेरियल्स टू अकाउंट्स पेएबल. सेकेंड ट्रांजेक्शन आप लोग देखे होंगे फ्रेंड, सेकेंड ट्रांजेक्शन है दैट इज इश्यूएंस ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मटीरियल. वो थी आपकी एंट्री जब आप लोगों ने मटेरियल को बाय किया, मटेरियल को खरीदा. अब आपने उसको प्रोडक्शन में डालना है. अब उस मटेरियल को जब आप प्रोडक्शन में डालने लगे हैं तो देखिएगा सिचुएशन कैसे गिवन होगी. ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल $52,000 रॉ मटेरियल्स वर रिक्वायर्ड फ्रॉम द स्टोर रूम फॉर द यूज इन प्रोडक्शन. आपने स्टोर रूम मैनेजमेंट से रिक्वायर किया है 52,000 का रॉ मटेरियल कि आपने उसको प्रोडक्शन में डालना है. नाउ दीज रॉ मटेरियल्स इंक्लूड 50,000 of the direct and 2,000 of the indirect materials. अब ये आपको clear bifurcation given होगी कि इस 52,000 में से direct material कितना है और indirect material कितना है. Again, ये concepts हम लोगों ने last lectures में cost classification में पढ़े हुए हैं. Direct material वो material होता है जिसको आप product के अंदर conveniently और economically identify कर सकते, जबकि indirect material जो होता है वो आप आसानी से identify नहीं कर सकते किसी एक single unit में. प्लस जो डायरेक्ट मटेरियल होता है उसकी कॉस्ट जो होती है वो बड़ी कॉमन, इट मींस के बड़ी ज्यादा अमाउंट होती है वो. इट मींस के प्रोडक्ट का इंटेग्रल पार्ट होती है वो, जबकि इनडायरेक्ट जो मटेरियल होता है उसका अमाउंट उसके मुकाबले में काफी कम होती है. जैसे मैंने आपको रोस्ट्रम से एग्जांपल दी कि रोस्ट्रम के अंदर लकड़ी की कीमत शायद ज्यादा होगी उसके मुकाबले में जो ग्लू स्टिक्स और या नेल्स वगैरह जो कोई की वगैरह यूज हो रहे हैं तो उसकी अमाउंट बहुत कम होगी, उसकी कॉस्ट बहुत कम होगी. नाउ इसकी एंट्री कैसे पास करनी है फ्रेंड्स, आप लोगों ने जो रॉ मटेरियल आपने रिक्वायर किया था, जो आप लोगों ने स्टोर रूम से डिमांड किया या आपने प्रोडक्शन में डाल दिया, वो बेसिकली रॉ मटेरियल आपका क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि अब आपकी इन्वेंट्री डिक्रीज हो गई है. रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री डिक्रीज हो गई है. रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री जब डिक्रीज होगी तो हम उसे रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट. डिक्रीज इन एसेट्स विल बी रिकॉर्डेड एज क्रेडिट. नाउ जो डायरेक्ट मटेरियल होता है बेटा वो हमेशा वर्किंग प्रोसेस का पार्ट बनता है. डायरेक्ट मटेरियल इस केस में कितना था? 50,000. So direct material इस case में है 50,000. उस direct material को मैंने working process के अंदर डाल दिया. और जो indirect material होता है, हम लोगों ने last section में पढ़ा था कि जो manufacturing overhead है या factory overheads है, उसको basically आपकी indirect cost of the factory होती है. उसमें आप लोग indirect material, indirect labor, वो आपका manufacturing overhead का part होता है. So जो indirect material है, वो आपने डाल देना है manufacturing overhead में. तो आप लोगों की entry ऐसे बनती है, working process as an increase in assets. Working process आप भी आपकी इन्वेंट्री है, एक इन्वेंट्री रॉ मटेरियल कम होती है और आप उसको प्रोसेस में डाल के प्रोसेस वाली इन्वेंट्री आपकी इंक्रीज कर जाती है. सो वर्किंग प्रोसेस एज इंक्रीजिंग इन्वेंट्री एज इंक्रीज इन एसेट्स विल बी रिकॉर्डेड एज डेबिट. मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एज इंक्रीज इन एक्सपेंसेस अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड एज डेबिट. एंड रॉ मटेरियल डिक्रीज इन एसेट्स विल बी रिकॉर्डेड एज क्रेडिट. और ये जितने भी केसेस फ्रेंड्स आप लोग एक्सरसाइज में करेंगे, अमाउंट्स डिफरेंट होंगी लेकिन एंट्रीज हमेशा ऐसे ही होंगी. राइट, एंट्रीज में कभी चेंज नहीं आएगा, अमाउंट डिफर हो जाएगी सिचुएशन टू सिचुएशन. नाउ थर्ड एंट्री है फ्रेंड्स कि आप लोगों ने लेबर को जब आप लोग पार्ट बनाते हैं प्रोसेस का, जब आपने मटेरियल प्रोसेस में डाल दिया, नाउ इट्स द टाइम कि आप लेबर को प्रोसेस में डालें.
तो लेबर को प्रोसेस में डालना है, अगेन जो डायरेक्ट लेबर है वो वर्किंग प्रोसेस में जाएगी। इसकी हम ट्रांजेक्शन पढ़ लेते हैं। इन अप्रैल $60,000 वाज रिकॉर्डेड फॉर डायरेक्ट लेबर, कि जो डायरेक्ट लेबर थी, इट मींस वो लेबर जो डायरेक्टली प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रही थी, उसकी जो आप लोगों ने सैलरीज या वेजेस कंप्यूट की हैं वो कितनी है, 60,000 की। तो ये जो 60,000 है ये डायरेक्ट लेबर का, ये किसमें चला जाएगा, वर्क इन प्रोसेस में। सो वर्क इन प्रोसेस एज इंक्रीज इन इन्वेंटरी विल बी रिकॉर्डेड एज डेबिट। और जो इनडायरेक्ट लेबर है वो जाएगी आपकी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में। मैंने इनडायरेक्ट लेबर को आपने पे किया कितना, 15,000 पे किया है, सो 15,000 चला जाएगा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में। पर आप क्रेडिट करेंगे सैलरीज एंड वेजेस पेबल को। सैलरीज फ्रंट बेसिकली वो होती है जो फिक्स रेमुनरेशन होती है, जैसे आप अगर आप मेरी बात करें या किसी क्लरिकल स्टाफ की बात करें, इन लोगों की होती है फिक्स्ड रेमुनरेशन, मतलब जिसका आप मंथली बेसिस पर इनको हर महीने के एंड पर एक स्पेसिफिक अमाउंट क्रेडिट होनी होती है। अगर आप 50,000 मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है तो 50,000 मुझे हर महीने के एंड पर क्रेडिट हो जाएगा, दैट इज सैलरीज। वेजेस वो होती हैं जो कि चेंज होती रहती हैं डेली वेजेस पे, जो हमारे वर्कर्स होते हैं कि अगर एक दिन वो नहीं आए तो छुट्टी के पैसे कट जाएंगे, या अगर उन्होंने एक्स्ट्रा काम किया, सैटरडे संडे को क्लास हुई है या सैटरडे संडे को कोई पेपर हुआ है, उन्होंने कोई एक्स्ट्रा काम किया, या उन्होंने 4 to 5 जब 4 या 5 बजे के बाद एक्स्ट्रा ड्यूटी की है तो उसके ज्यादा पैसे उनको मिल जाएंगे। तो जो काम पे डिपेंड कर रहा होता है ना, और जो वेज मुसलसल चेंज होती रहती है, उसको हम वेजेस कह रहे होते हैं, ये फिक्स रेमुनरेशन नहीं होती। तो बेसिकली वो वेजेस होती हैं आपकी। तो सैलरीज एंड वेजेस पेएबल क्रेडिट, ज्यादातर जो आपका ऑर्गेनाइजेशन का अगर आप ऑर्गेनोग्राम देखें तो ऊपर के जो लोग होते हैं वो सैलरीज पर होते हैं, और जो ज्यादातर नीचे वाला ऑपरेशनल स्टाफ होता है वो वेजेस के ऊपर होता है। ठीक हो गया। द नेक्स्ट वर्क इज कि अब हमने मटेरियल और लेबर को डालने के बाद, अब हमारा काम था कि हम मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड से रिलेटेड हम ट्रांजेक्शन देखेंगे, और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को प्रोसेस में डालेंगे। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर उन लोगों ने कुछ सिचुएशंस दी हुई हैं कि अगर कोई कॉस्ट इनकर होती है, मतलब फैक्ट्री के, फैक्ट्री से रिलेटेड मटेरियल और लेबर को छोड़ कोई भी कॉस्ट इनकर हो रही है, तो वो आपने कैसे उसको रिकॉर्ड करना है। तो अगर मैं इसकी ट्रांजेक्शन आपको दिखाऊं तो शायद ट्रांजेक्शन यहाँ पे आपको मिल जाए। ओके, recall that all manufacturing costs other than material and labor are classified as manufacturing overhead. हम लोगों ने, मैं आपको बताया, फैक्ट्री में मटेरियल और लेबर को छोड़ के बाकी सारी कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में जाती हैं। अब ये कुछ अखराजात हैं फैक्ट्री के, फैक्ट्री के कुछ यूटिलिटीज हैं, यूटिलिटी एक्सपेंस में हीट एक्सपेंस है, वाटर एंड पावर के बिल्स हैं, रेंट है फैक्ट्री इक्विपमेंट का, कोई भी आपने फैक्ट्री इक्विपमेंट रेंट पे ली हुई है तो उसका रेंट 16,000 जा रहा है, और कुछ मिसलिनियस फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हैं वो 3,000 के हैं, तो टोटल एक्सपेंसेस हो गए 40,000 के। सो अगर इस किस्म का केस बन जाए तो आप लोगों की सिचुएशन में इस तरह एंट्री पास होती है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड डेबिट, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस विल बी रिकॉर्डेड एज डेबिट, एंड अकाउंट्स पेएबल, क्योंकि अभी तक आपने इसकी पेमेंट नहीं की, सो अकाउंट्स पेएबल विल बी रिकॉर्डेड एज क्रेडिट। अगेन अगर आपने पेमेंट कर दी है तो उसकी जगह पर क्या यूज होगा, कैश यूज होगा, अकाउंट्स की जगह पर कैश यूज होगा अगर आपने उसकी पेमेंट कर दी है। नेक्स्ट सिचुएशन देखिएगा स्टूडेंट्स, द कॉर्पोरेशन हैज रिकॉग्नाइज्ड $13,000 इन अकाउंट इन अक्रूड प्रॉपर्टी टैक्सेस एंड दैट 7,000 इन प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपायर्ड ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग्स। अब ये वो वाहिद लव्ज है जिसने मुझे बताया है कि ये कॉस्ट मैंने मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में डाल दी है। जब उसने फैक्ट्री का नाम ले लिया ना कि फैक्ट्री की बिल्डिंग है या फैक्ट्री की इक्विपमेंट है, फैक्ट्री की बिल्डिंग का प्रॉपर्टी टैक्स है और फैक्ट्री के इक्विपमेंट की कोई इंश्योरेंस का एक्सपेंस है। अब इससे मुझे पता चला कि ये मैंने चार्ज करना है इसको मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में। तो देखिएगा, मैं आम हालात में आप क्या करते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स एक्सपेंस टू प्रॉपर्टी टैक्स पेएबल एंट्री कर रहे होते हैं, लेकिन अब वो प्रॉपर्टी टैक्स एक्सपेंस नहीं लिखूंगी मैं, डायरेक्टली उसको मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में डाल दूंगी, और इसी तरह जो इंश्योरेंस एक्सपेंस लिखने की बजाय वो मैं इसको मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में डाल दूंगी और एंट्री बन जाएगी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड डेबिट, प्रॉपर्टी टैक्स पेएबल क्रेडिट, प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट, और इन दोनों की जो अमाउंट्स है 13,000 7,000 इनको कंबाइन करके मैं मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के अमाउंट बना दूंगी कि डेबिट होगा 20,000 रुपया। ठीक हो गया। नाउ इसी तरह अगर फैक्ट्री के ऊपर डेप्रिसिएशन है, जैसे अब ये देखें, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री इक्विपमेंट, अब इस फैक्ट्री के वर्ड ने मुझे बताया है कि इस डेप्रिसिएशन को, एक्सपेंस को मैंने किस में डालना है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में डालना है।
सो मैं लिखूंगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं लिखूंगी, मैं उसकी जगह पर डायरेक्टली उसको मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का पार्ट बना रही हूँ. मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड डेबिट एंड एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट. याद रखिएगा पहले आप ये एंट्री करते थे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस टू एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन, लेकिन अब इसे आप करेंगे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड टू एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन. नाउ ये सारी जितने भी हमारे फैक्ट्री एक्सपेंसेस होते हैं मटेरियल और लेबर को छोड़ हम सब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का पार्ट बना देते हैं. जब सारी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आपसे कंप्यूट हो जाए नाउ इट्स द टाइम कि अब हम मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को भी प्रोसेस में डाल दें. आप लोगों ने पहली एंट्री की जिसमें आप लोगों ने मटीरियल को खरीद कर प्रोसेस में डाला, फिर आपने सेकेंड एंड थर्ड एंट्री में आपने लेबर को डाल दिया. नाउ इट्स द टाइम कि हम मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को भी प्रोसेस में डाल दें ताकि हमारी गुड्स कम्प्लीट हो जाए. Now, manufacturing overhead को जब हम process में डालेंगे तो हमारी entry होगी work in process debit as an increase in inventory और manufacturing overhead credit हो जाएगा. और उसके बाद हमारे पास next entry आ रही है. Okay, ये देखिएगा students, अब ये है factory के बाहर की बात. देखिए non-manufacturing cost, it means कि मैंने आपको बताया था कि एक organization में factory जहाँ production होती है उसके अलावा अगर कोई sections बने हुए हैं तो वहां पर जो कॉस्ट है ये वो अब अकाउंटिंग है जो आप लोग पहले से फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते चले आ रहे हैं. उसमें आप लोगों ने चीजों को देखा होगा कि अगर कोई सैलरीज एक्सपेंस है तो आप कैसे एंट्री कर रहे हैं. सैलरीज एक्सपेंस टू सैलरीज एंड वेजेस पेबल. कोई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है जैसे मैंने आपको बताया था हमारी इस्लामी यूनिवर्सिटी में जैसे जो गेट कीपर्स है, जो मस्जिद है या कोई अकाउंट सेक्शन है, इसकी अगर कोई डेप्रिसिएशन आ रही है तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस टू एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन. अगेन इसके साथ बस हमें क्लू बस यही मिलेगा कि फैक्ट्री का वर्ड क्लियरली मेंशन नहीं होगा तो अब हमने उसको यही सोचना है कि ये फैक्ट्री के बाहर की अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स हैं या जो कुछ भी है उसकी बात हो रही है तो अब हमने करेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस टू एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन. अगेन जो फैक्ट्री के बाहर अगर आपको एडवर्टीजमेंट को सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो उसकी सिचुएशन क्या होगी. एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस डेबिट, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस क्रेडिट. अगर आपने कैश से पेमेंट की है उनकी तो कैश क्रेडिट हो जाएगा. अगर आपने कैश से पेमेंट नहीं की लायबिलिटी क्रिएट हो गई है, इट मींस कि आपने हर हाल में उनके पैसा पे करना है लेकिन इन फ्यूचर सो आप अकाउंट्स पेएबल को क्रेडिट कर देंगे. नाउ इट्स द टाइम कि आपकी गुड्स बन गई हैं और गुड्स बन के जरा थोड़ा सा ऊपर चली गई हैं. सो यहाँ पे देखते हैं गुड्स बन गई. नाउ जब फिनिश गुड्स फॉर एग्जाम्पल कोई जॉब कम्प्लीट होती है, कोई बैच मैन्युफैक्चर हो जाता है, अगर आपकी लॉट्स में प्रोडक्शन हो रही है तो फिर आपकी देखें क्या सिचुएशन होगी, एंट्री क्या होगी. हमें ये बताया जा रहा है कि कंपनी ने अज्यूम करें जॉब ए वाज कंप्लीटेड ड्यूरिंग अप्रैल. जॉब ए के है जो अप्रैल के महीने में कंप्लीट हो गई है तो हम एंट्री कर रहे हैं उसकी फिनिश गुड्स एज एन इंक्रीज इन इन्वेंटरी विल बी रिकॉर्डेड एज डेबिट एंड वर्क इन प्रोसेस एज एन इंक्रीज इन एज अ डिक्रीज इन अनदर इन्वेंटरी अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड एज क्रेडिट. एक एसेट बढ़ रहा है, एक एसेट कम हो रहा है. जब वर्क इन प्रोसेस आपका फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है तो वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री कम होती है और फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री बढ़ रही होती है. सो फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है डेबिट होगी, वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री डिक्रीज हो रही है वो क्रेडिट हो जाएगी. नेक्स्ट इज द लास्ट ट्रांजेक्शन. जब आप अपनी गुड्स को बेचते हैं, जब आप अपनी गुड्स को सेल आउट करेंगे तो क्या सिचुएशन होगी. जब आप गुड्स सेल आउट करते हैं फ्रेंड्स तो दो एंट्रीज आपकी साइमल्टेनियसली पास होती हैं, साइड बाय साइड पास होती हैं. पहली एंट्री जो आप देखिएगा ये जो 12th नंबर पे आपको नजर आ रही है दैट इज ऑन प्राइस. प्राइस पर होती है ये कि आपने कीमत कितनी ली है कस्टमर से. ठीक है, फॉर एग्जांपल इस वक्त नजर ये आ रहा है कि 118,500 की चीजें थी, 118,500 की चीजें मैंने 225,000 रुपए की बेची है. 225,000 रुपए मैंने उसकी कीमत बनाई है. अब ये कॉस्ट मुझे पता थी कि मैंने अपनी प्रोडक्ट्स कितने में बनाई हैं, ये मैंने कस्टमर के साथ प्राइस सेट की कि मैं ये चीजें आपको 225,000 में बेचूंगी. अब जब 225,000 मैंने तय कर लिया तो उसके बाद क्या हुआ, अगर तो कस्टमर ने मुझे कैश दिया है तो मैं लिखूंगी कैश डेबिट सेल्स रेवेन्यू क्रेडिट. लेकिन अगर कस्टमर ने मुझे कैश नहीं दिया तो इट मींस मैंने क्रेडिट सेल्स की हैं, उधार पे चीजें बेची हैं, तो उस टाइम पर यहाँ पर आएगा अकाउंट रिसीवेबल कि ये पैसा अभी मैंने कस्टमर से कलेक्ट करना है. अकाउंट रिसीवेबल एज एन इंक्रीज इन एसेट्स विल बी रिकॉर्डेड एज डेबिट, सेल्स रेवेन्यू एज एन इंक्रीज इन रेवेन्यू रेवेन्यू अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड एज क्रेडिट. अब ये जो चीजें मैंने एक्चुअली मैंने कितने की बनाई है, कितनी कॉस्ट उस पे इनकर हुई है, उसके लिए आप एंट्री करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो गुड्स जो सेल आउट हुई हैं उनकी कॉस्ट कितनी है,
उनकी कॉस्ट है 1,18,500, एज इंक्रीज इन एक्सपेंसेस विल बी रिकॉर्डेड एज डेबिट। और क्योंकि फिनिश गुड्स आपकी सेल आउट हो गई है तो फिर फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री कम हो जाएगी, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री विल बी रिकॉर्डेड एज क्रेडिट क्योंकि वो डिक्रीज हो रही है। सो ये बेसिकली 13 ट्रांजेक्शन है फ्रेंड्स। इन ट्रांजेक्शन को देख लें, अच्छी तरह देखें, बार बार देखें, क्योंकि यही सेम स्टेटमेंट्स बार बार रिपीट हो रही होंगी। यही सेम 13 ट्रांजेक्शन है जो आपने हर क्वेश्चन में पास करनी है। मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए फिलहाल 2 या 3 क्वेश्चंस पॉइंट आउट कर देती हूँ, उन 2-3 क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके देख लें। और अगर आपको कोई एंट्री करने में प्रॉब्लम हो रहा हो तो काइंडली उस एंट्री को, उस क्वेश्चन को हाईलाइट करके आप मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दें, मैं आपको उस एंट्री को आप क्लियर कर दूंगी, ठीक हो गया। और क्वेश्चंस जो है वो मैं आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पे अभी शेयर कर देती हूँ कि क्लास में आप लोगों ने किन किन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक, अस्सलाम वालेकुम।